आप कैसे देखते हैं पहले ही बताइए, चाचा और भतीजा के बीच का बात हम नहीं बताएंगे। अभी नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है, इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास पर, जहां पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं साथ में तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं, राबड़ी देवी बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी राजश्री यादव बैठी हुई है, चिराग पासवान मौजूद है और तमाम जितने नेता है। तेजस्वी यादव खुद अगुवाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार का उन्होंने स्वागत किया है। तमाम तस्वीरें हम आपको राबड़ी आवास दिखा रहे हैं। शिवान तिवारी बैठे हुए, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही है। पूरा लालू परिवार एकजुट है। आज लालू प्रसाद यादव को जमानत भी मिली है। ऐसे में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इफ्तार पार्टी की, आरजेडी की ओर से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। तमाम तस्वीरें हम आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम 10 अकड़ रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में रोजगार मौजूद है, खूब भीड़ लगी हुई है और नीतीश कुमार लंबे अर्से के बाद 10 अकड़ रोड पहुंचे हैं, जिनकी एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे हैं, दुआ करें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को किसी बाबू कहना नहीं चाहिए कैमरे को, तो राबड़ी आवास पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां हज़ारों की संख्या में जो रोजेदार हैं वो पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे थे यहां पर, तेजस्वी यादव उन्हें गेट तक छोड़ने गए और फिर चिराग पासवान को भी विदा किया, जिसके बाद जो तस्वीरें निकल के आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी के विधायक हैं, लालू प्रसाद के बड़े लाल हैं, आज काफ़ी खुशी का दिन है, क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनिए। सभी लोग आए हुए, कितनी खुशी है, आज पिताजी का बैल हुआ है, हमने प्रार्थना किया था, बहुत सारे लोगों ने दुआ किया था, महादेव ने प्रार्थना को सुन लिया, न्याय यात्रा सफल हो गया हमारा। नीतीश कुमार बड़े दिन बाद आए, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार आप कैसे देखते हैं पहले ही बताइए। आप हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो बात की बात है, अभी तो फिलहाल मेहमान आए, गेस्ट हैं हमारे, उनको सम्मान किया गया। नीतीश जी आपसे बहुत बात करते दिख रहे थे, क्या बात हो रही थी? नीतीश कुमार आपसे बहुत बात, आप उनसे पूछ लीजिए क्या बात हुई, हम क्या बताएं, चाचा और भतीजा के बीच का बात हम नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी तो कुछ अंदर की बात है, राजनीतिक बात है? हाँ है बात। अच्छा, के लिए अलर्ट है, मैसेज अलर्ट क्या अलार्मिंग मैसेज है बीजेपी के लिए? क्या ये जो अभी हुआ बीजेपी के लिए क्या ये अलार्मिंग मैसेज है? अलार्म बज रहा है, तो अलार्म बज रहा होगा, अपने चैनल पे ना अलार्म बजाइएगा, सुनाइएगा। चिराग भी पहुंचे, शहनवाज हुसैन आए, नीतीश कुमार आए, सबको यहाँ पर कैसे इतने सारे नेता है, चिराग भी आ गए, सब लोग आए, सब लोग का सम्मान। तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 अकड़ रोड राबड़ी आवास की, जहां पर हर्षोल्लास का माहौल है, तमाम जितने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं। हम इधर की भी अगर तस्वीरें दिखाएं तो आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम है, तमाम नेता मौजूद हैं और एक अतुल इस्लाम शाहीन है, सभी लोग हैं। शिवचंद्र राम जी से हम बात करते हैं, कितना आनंद आया नीतीश कुमार? देखिए आज दावत इफ्तार था और आज के दिन परवरदिगार ने, अल्लाह ने सामाजिक न्याय का योद्धा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को और इन पर ऊपर हो रहे जुल्म को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, इनके साथ ज़्यादा जुल्म नहीं, रिहा मान लेते हैं कि इनको बेल भी मिला है, हम न्यायालय के प्रति हम सम्मान करते हैं। और आज एक मिल्लत का आज पर्व है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इस दावत इफ्तार में आकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सम्मान में आज जो है एक कार्यक्रम को किया गया है, इसमें जो है शाहीन भी है, टोपी लगाई आपने है, नीतीश कुमार भी टोपी लगा कर आज पहुँचे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा, खुशी का मौका है, एक तो रोज़ा रमज़ान का पवित्र महीना, इसकी खुशी, ऊपर से इफ्तार का दावत दूसरी खुशी, ऊपर से लालू जी की रिहाई का आज आदेश हुआ है, बेल उनको हुआ है तीसरी खुशी है, और अभी
जो देश में जो बुरी हालत है, नाजुक हालत से जो लोग गुजर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और लालू जी के स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हों और हम लोग की जो बदहाली है, देश की जो बदहाली है, देश जो त्राही त्राही कर रहा है, उसके लिए लालू जी स्वस्थ होकर फिर से आगे आएँ और लड़ें, स्वस्थ होकर जल्द वापस आएँ। हर नेताओं के ज़बान पर बस यही है, हर तरफ भीड़ लगी हुई है, काफ़ी संख्या में रोजगार यहाँ पहुँचे थे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ नेताओं ने कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।